Today we are going to do this next story in the series of the Vedas and Upanishads. So the name of the next story is The Cart Puller and the King. The Cart Puller and the King. This is the fourth lesson in the series of the tales from the Vedas and Upanishads. So here we are. King Janusmriti took care of all the people in his kingdom. He was kind and generous. King Janusmriti, Raja Janusmriti, वो अपने सारे लोगों की देखभाल करते थे अपने राज्य में और वो बहुत ही दयालु थे. He provided his subjects with food, wealth and every amenity they needed. अपने राज्य के अपने सभी लोगों को वो खाना कप धन और सभी ज़रूरत की सामान उन्हें देते थे. ही ऑल्सो बिल्ड मैनी रेस्ट हाउसेज फॉर ट्रैवलर्स एंड विजिटर्स फ्रॉम अदर किंगडम्स. उन्होंने कई रेस्ट हाउसेज भी बनाए थे यात्रियों के लिए और मेहमान के लिए जो दूसरे राज्य से आते थे. ही वॉन्टेड देम टू हैव अ गुड टाइम एंड ही डिड नॉट चार्ज देम एनी मनी. वो चाहते थे कि वो अच्छा समय व्यतीत करें और उनको इसके लिए कोई पैसा नहीं लेते. निःशुल्क ये सेवा उन्हें प्राप्त होती है. जेनरस इजंट इट. और वो अपने मन में सोच रहे हैं कि ये दयावान है ना. एंड दिस वॉज समथिंग ही वॉज अवेयर ऑफ. ही ऑफन थॉट ऑफ हिज चैरिटेबल हाउ चैरिटेबल एंड गिविंग ही वॉज. और इस बात से वो बिल्कुल अनभिज्ञ थे और वो हर समय यही सोचते थे कि वो कितने दानी हैं और देते हैं दाता हैं. ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी अ ग्रेट मैन. वो अपने आप को महान व्यक्ति समझते थे. किंग जनुस्मृति न्यू द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स. वो जानवरों के भी भाषा को समझते थे. वन इवनिंग एज द किंग वॉज एंजॉइंग द सनसेट इन हिज पैलेस गार्डन ही ओवरहर्ड टू स्वान्स कन्वर्सिंग. एक शाम जब वो सूर्यास्त के समय किंग जनुस्मृति को जानवर की भाषा भी समझ में आता था. एक शाम जब वो सूर्यास्त के समय अपने राज्य में गार्डन में बाग में वो थे तो उन्होंने दो स्वान्स को सुना. वो आपस में बातें कर रहे थे. वन सेड डू यू नो अ किंग इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल. एक ने कहा तुम्हें पता है कि हमारे राज्य सबसे महान है. ही गिव्स ऑल सो मच टू एवरी वन. ही इज सो चैरिटेबल. वो सभी को कितना कुछ देते हैं. बहुत दानी हैं. दादा स्वान रिप्लाइड बट द किंग इज नॉट ग्रेटर देन द कार्ट पुलर राइव बिका. दूसरे स्वान ने कहा कि राजा जो है वो महान तो है पर वो रैविका जो टांगा खींच अपनी गाड़ी खींचता है उससे महान नहीं है. रैविका इज़ अ बेटर पर्सन एज ही रिमेन्स अनोनमस. रैविका एक बेहतर इंसान है. क्यों? क्योंकि वो अनोनमस रहता है. अनोनमस रहता है यानी कि वो अननोन रहता है. वो अपने बारे में लोगों को नहीं बताता. द किंग इज़ डेस्परेटली परसुइंग फेम. और राजा जो है वो महान बनने का की ओर जा रहे हैं. हियरिंग दिस द किंग बिकेम रेस्टलेस. इमेजिन अ ग्रेट किंग हियरिंग दैट देर इज़ समवन बेटर एंड ग्रेटर देन ही इज़. तो ये सुनकर राजा बेचैन हो गए. सो सोचिए बहुत कैसी बात होगी कि राजा ये बात सुनते हैं कि उनसे भी महान और बेहतर कोई व्यक्ति है. किंग जनुस्मृति वॉज बोथ क्यूरियस एंड वर्डेड. किंग जनुस्मृति दोनों बिल्कुल जिज्ञासु भी हो गए और चिंतित भी हो गए. आई मस्ट फाइंड दिस लिटिल कार्ट ड्राइवर. तो मुझे इस गाड़ी चलाने वाले को ढूंढना ही होगा. हु कुड बी दिस मैन हु डजेंट वॉन्ट टू बी फेमस इवन दो ही गिव्स सो मच. ये कौन सा व्यक्ति है जो कि प्रसिद्ध नहीं होना चाहता है और वो इतना दान करता है. तब भी द किंग मर्मर्ड टू हिमसेल्फ. वो अपने आप से बातें किए. ही सेंट अ सर्च पार्टी इनटू द किंगडम. फाइनली ही सेंट अ सर्च पार्टी इनटू द किंगडम. फाइनली दे फाउंड अ मैन सिटिंग अंडर हिज कार्ट. आर यू रैविका? आस्क्ड द किंग्स गार्ड्स. आखिरकार उन्होंने उस रैविका को ढूंढने के लिए लोगों को भेजा
और उन्होंने एक व्यक्ति को अपने गाड़ी के नीचे बैठा हुआ देखा। उन्होंने उसे पूछा, क्या तुम रविका हो? उसने कहा यस। कहा हाँ, वी नीड टू टेक यू टू द पैलेस ऑन द किंग्स ऑर्डर्स, तो हमें आपको राजा के पास ले जाना होगा, उन्होंने आदेश दिया। रविका श्रग्ड एंड सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मीटिंग द किंग। रविका ने अपने कंधे झटकाई उठकाई और कहा कि मुझे राजा से मिलने की कोई इच्छा नहीं है। Who is the greatest giver? Who you know, your mother, your father, your friend, why do you think they give freely? तो आपके समझ से कौन सबसे महान दानी है? क्या आपके माता है, पिता है या आपके दोस्त है? और ऐसा आप क्यों सोचते हैं कि वो ऐसे दान देते हैं? When the soldiers reported back to the king, he decided to go and meet Ravika himself. तब जब रविका ने कहा कि मुझे राजा मिलने का कोई इच्छा नहीं है, तो राजा खुद उससे मिलने गए। He went with 600 cows, gold ornaments, horse, driver, chariot and many other gifts to win over the cart puller and asked him to impart wisdom to him. तो राजा अपने साथ 600 गाय, जेवरात, एक तांगा चलाने वाला, इसके अलावा और भी उपहार लेकर के उस गाड़ी चलाने वाले के पास पहुँचे। और वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि उन्हें ज्ञान दे, शिक्षा दे। बट रविका कूली सेड आई डू नॉट नीड दिस गिफ्ट्स। और रविका ने कहा कि मुझे ये ऐसे उपहार नहीं चाहिए, प्लीज़ टेक देम बैक, इसे वापस ले जाइए। किंग जनुस्मृति वेंट बैक डिजेक्टेड। तो राजा को की इच्छा नामंजूर हो गई और वो वापस चले गए। द नेक्स्ट डे ही रिटर्न विथ मोर एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लाइक डायमंड्स एंड एमरल्ड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ सर्वेंट्स। दूसरे दिन वो फिर से लौटे और उनके साथ और भी मूल्यवान हीरे थे और पन्ना था और हजारों सैकड़ों नौकर थे। बट रविका सेड आई डू नॉट नीड देम एनी ऑफ देम। रविका ने कहा मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं। आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू, इंसिस्टेड द किंग। हाउएवर ही फेल ऑन डेफ ईयर्स। तो राजा ने कहा कि लेकिन मुझे आपसे ज्ञान अर्जित करना है, जो कि रविका के डेफ ईयर्स में, यानी कि बिल्कुल उसने नहीं ध्यान दिया। फाइनली जनुस्मृति वेंट बैक विथ हिज डॉटर। आखिरकार जनुस्मृति जो राजा थे, उन्होंने अपनी लड़की को लेकर के गए और कहा कि डॉटर एंड ऑफर टू गिव हर हैंड इन मैरिज टू रविका मियर कार्ट पुलर। तो एक गाड़ी चलाने वाले को अपनी लड़की का हाथ उन्होंने उसे देने के लिए राजा ने कहा। रविका वॉज नीदर टेम्प्टेड नॉ अम्यूज्ड बाय ऑल दिस। तो ये सुन करके ना तो रविका को कोई इच्छा हुई और ना ही उसे इस बात से कोई हंसी आई। बट ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय जनुस्मृति's परसिवियरेंस एंड डेडिकेशन टू लर्निंग। लेकिन वो राजा के इस प्रस्ताव से, इस जो बार बार ये प्रयास कर रहे थे, इसके अलावा ये जो लगन दिखा रहे थे ज्ञान अर्जित करने के लिए, उससे वो प्रभावित हो गया। एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी फॉर अ गुड स्टूडेंट। और ये जो प्रयास और लगन स्टूडेंट्स के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। इवेंचुअली आखिरकार रविका एक्सेप्टेड द किंग एज अ स्टूडेंट। रविका ने राजा को एक विद्यार्थी के रूप में एक्सेप्ट कर लिए। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द किंग्स ट्रेनिंग रविका सेड, पहले दिन शिक्षा की ओर रविका ने कहा, वी वर्शिप मैनी एलिमेंट्स, फॉर इंस्टेंस वी वर्शिप द विंड बिकॉज इट ब्लोज एवरीथिंग अवे। रविका ने कहा कि हम लोग कई चीज़ों का पूजा करते हैं, हवा का पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब चीज़ उड़ा देता है। वी वर्शिप द फायर बिकॉज इट कैन बर्न एनी एवरीथिंग। हम आग का पूजा करते हैं क्योंकि वो सब कुछ जला सकता है। बट
वी वर्शिप ब्रेथ बिकॉज इट कीप्स अस अलाइव, और हम श्वास की पूजा करते हैं क्यों, क्योंकि वो हमें जिंदा बनाए रखता है. बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ह्यूमन स्पिरिट्स प्रेजेंस गिव्स मीनिंग टू दीज एलिमेंट्स. लेकिन एक चीज़ है, जो मनुष्य की आत्मा है वही अंदर होती है मनुष्य में, तो ही उसका मतलब होता है जीवन का. इट क्रिएट्स एंड सस्टेन्स द यूनिवर्स, और वही है जो कि बनाता है और चलाता है इस ब्रह्मांड को. क्या चीज? आत्मा, जीव. द नेक्स्ट डे रेविका सेड, अगले दिन रेविका ने कहा, टू बी प्राउड ऑफ द चैरिटीज वी डू इज हार्मफुल, जो हम दान करते हैं उसके लिए घमंड करना बहुत ख़राब है. दिस प्राइड विल नॉट ट्रूली हेल्प द रिसीवर, और ये घमंड देने वाले को कभी भी अच्छा नहीं होगा उसके लिए. नॉर विल इट डू एनीथिंग टू द गिवर, और वो दानी को भी कोई उसके लिए फ़ायदा नहीं है. गिव बट विदाउट ईगो, देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए, लेकिन बिना अहम के. गिव नॉट बिकॉज तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं किस तरह से राजा है और ये रेविका है, और यहाँ पे कार्ट है जो कि उसकी गाड़ी है. एंड तो रेविका ने अपने शिक्षण में कहा कि गिव व्हाट यू ऑफर इज योर्स टू गिव. तो गिव नॉट बिकॉज व्हाट यू ऑफर इज योर्स टू गिव, इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि जो आप दे रहे हैं वो आपका है. गिव बिकॉज द डिवाइन स्पिरिट हैज़ गिवन यू व्हाट यू हैव टू शेयर विद अदर्स, इसलिए आप दान कीजिए कि दिव्य आत्मा यानी भगवान ने जो आपको दिया है वो सबसे बांटने की चीज़ है. दस मैनी वीक्स पास्ट एंड द किंग कम्प्लीटेड हिज लर्निंग. तो इस तरह से शिक्षा देते हुए रविका कई सप्ताह बीत गए और राजा ने अपनी शिक्षा पूरी की. ही हैड फाइनली अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ गिविंग, आखिरकार उन्होंने दान का महत्व समझ लिया था. ही गेव रेविका ऑल द गिफ्ट्स ही हैड अर्लियर ब्रॉट विथ हिम, अरेंज द कार्ड पुलर्स वेडिंग एंड हिज डॉटर विथ हिज डॉटर एंड लेफ्ट. तो राजा ने जितने दान वो लेकर के आए थे सारे रेविका को दे दिया, और इस समय और अपनी बेटी का हाथ भी रेविका के हाथ में देकर शादी करवा दी एंड लेफ्ट. उसके बाद वो चले गए. दिस टाइम रेविका एक्सेप्टेड द किंग्स गिफ्ट, और इस बार चूँकि राजा दान का महत्व को समझ चुके थे, रेविका ने वो सारे दान को कबूल कर लिया. एंड देवर गिविन विदाउट प्राइड, क्यों? क्योंकि वो सारे बिना अहम के, बिना कोई घमंड के दिए गए थे. सो दिस इज़ द स्टोरी चिल्ड्रन. सो लेट अस सी व्हाट वी हैव इन द, लेट्स टॉक अबाउट इट. चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं. क्या है? व्हेन वी गिव विथ लव वी थिंक ऑफ द जॉय द रिसीवर गेट्स. जब हम प्यार से कोई चीज़ दान देते हैं तब हम अपने मन में सोचते हैं कि जिसे हमने दिया है वो सामान उसे कितनी खुशी मिलेगी. दिस गिव्स अस जॉय, ये हमें खुशी देती है. बींग नोन एज द गिवर डज नॉट गिव द प्योर जॉय दैट वी गेट बाई गिविंग अनॉनिमसली. तो अगर हम जानते हैं कि कौन ये दानी है तो उतनी खुशी नहीं देती है. अगर हम अनजान होकर के दानी को नहीं पता हो किसने ये दान दिया है तो उसे ज़्यादा खुशी नहीं. अनदर ग्रेट थिंग इज़ टू गिव इन सच अ वे दैट द रिसीवर फील्स दैट आर जॉय इन गिविंग इज मोर देन देयर जॉय इन रिसीविंग. तो दान इस तरह से देना चाहिए कि जो दान लेने वाला पात्र है उसे ऐसा एहसास हो कि जो दानी है उसे देने में ज़्यादा खुशी हो रही है दान लेने वाले से. When a mother feeds her son, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि एक माँ अपने बेटे या बेटी को
खिलाती हैं, पिलाती हैं। शी इज़ हैप्पियर देन द चाइल्ड। वो देने में माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है अपने बच्चे को खिलाने पिलाने में। द चाइल्ड डजेंट रियलाइज दैट इट इज़ रिसीविंग फ्रॉम द मदर। और बच्चे को इस बात का एहसास बिल्कुल नहीं होता है कि वो अपनी माँ से कुछ दान पा रहे हैं। दिस इज़ द वे नेचर इंटेंड्स गिविंग एंड रिसीविंग टू बी। तो यही प्रकृति तरीका सोचती है कि किस तरह से देने देना और लेना होना चाहिए। If you have a loving heart, give quietly. When you serve, serve with anonymity. तो आपके पास अगर प्यार भरा दिल है तो शांति से दीजिए, बिल्कुल इस तरह से दीजिए कि जैसे कि देने वालों को पता ही न चले कि वो कुछ दे रहा है। When you serve, serve with anonymity. तो जब आप कुछ दे रहे हैं तो बिल्कुल अनजान, जैसे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इस तरह से दीजिए। तो हम देखते हैं इस कहानी से किस तरह से दान देना चाहिए। ऐसा दान देना चाहिए कि देने वाले को, पाने वाले को कुछ इस बात का पता ना हो लेकिन देने वाला ज़्यादा खुश हो। सो दिस इज़ द स्टोरी चिल्ड्रन। तो ये आपकी कहानी हो गई टेल्स From the Vedas and Upanishads. I hope you liked it. Next time we'll do the next tale. Thank you, children.